नमस्कार सभी को, स्वागत है हमारे आज के सेशन में। और आज हम बात जानेंगे कि जैसा कि एग्ज़ाम डेट जो है निर्धारित कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है, आपको उसके बाद किस तरह से अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए। हम अगर सामान्यतः देखें कि अक्टूबर में जिस तरह से आपको बताया गया था, जो निर्धारित तिथि, जो निर्धारित मंथ बताया गया था, वहीं पर फर्स्ट ग्रेड का पेपर है और वहीं सेकेंड ग्रेड, और वहीं पर हमने ग्रेड थर्ड के पेपर को पाया है। तो अच्छी तरीके से इनकी तैयारी के लिए कुछ एक बातें आपने ख्याल रखनी है हमेशा के लिए। जी हाँ, हम इस परिस्थिति में, वर्तमान में हम इस परिस्थिति में हैं, यानी एक साथ हमारे एक ही सीक्वेंस में तीन पेपर हैं। तो पहली बात तो ये है कि माइंड को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रखेंगे, जो जिसका उद्देश्य है उस उद्देश्य में लगे रहेंगे, ठीक है। वर्तमान में एक काम तो अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जो है अगर कर रहे हैं जो विद्यार्थी, वो एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि एक चीज को हमेशा अवॉइड करें, कोई भी जो है नई बुक या फिर नोट्स या फिर कोई भी गाइड, कोई भी इस तरह की चीजें आप नहीं परचेज करेंगे। अगर आप नई चीजों को प्रेफर कर रहे हो तो वो आपकी सरासर जो है वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि हमने जो भी, मान लीजिए अगर आपने लक्ष्य वाली बुक खरीदी थी तो अब तक उसको पूरा करने में कितना समय लगा होगा, ठीक है। तो हमें नई किताब नहीं खरीदनी है, तो हम कौन सा ऐसा पार्ट है जो न्यू कर सकते हैं। मान लीजिए आपने करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर से रिलेटेड आपने क्या करा, क्रोनोलॉजी पढ़ी होगी, ठीक है। आपने क्या पढ़ी होगी, जो भी आपने क्रोनोलॉजी पढ़ी होगी, इस क्रोनोलॉजी को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी कि आपने मंथली हर एक जो है करंट अफेयर्स की एक्टिविटी को कवर किया है। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, इन क्रोनोलॉजी को जो है पहले तो रिवाइज जो है वो करना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरीके से रिवाइज करें। और साथ में कुछ एक परिस्थितियां ऐसी भी ध्यान में रखें कि हमें कोई भी एक नोट्स ये जरूर ले लेने हैं, नोट्स जो क्या हो, लिमिटेड मैटर जो जिनमें हो, आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। न्यू मैटर के अंदर आपने सिर्फ एक ही काम करना है, वो काम क्या है, वो काम है हमारा क्या, करंट अफेयर्स के नोट्स को प्राप्त करना। किसी भी इंस्टीट्यूट के, किसी भी अच्छे अध्यापक के नोट्स आप प्रेफर कर सकते हो, अगर आपको अच्छी तरीके से इस पेपर में आने वाले 10 क्वेश्चंस का फायदा लेना है। तो याद रखें इन चीजों को कि अगर आप यहाँ से, इन क्रोनोलॉजी से आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया है और यहाँ पर आपने अपनी लर्निंग को फर्निश कर रहे हो, बिल्कुल अच्छा बना रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो अपनी लर्निंग को, अपने नॉलेज को स्थायी कर रहे हो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब इसको खरीदने का कारण, पहली बात, ये जो है लगभग 20 से 30 पेजेस के मध्य होने चाहिए, इतना ही होंगे, इतने ही हो सकते हैं, और जो पिछले एक लगभग साल के 20-30 पेज आपके सामने हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक किताब 500 पेज की बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने मना किया है, 20-30 पेज होने चाहिए। 20-30 पेज की कोई किताब ले लीजिए, वार्षिकांक जो आता है वो ले लीजिए, उसमें सारी यही बातें होंगी। तो आप अगर उसमें पढ़ोगे ना तो आपको सामने आता जाएगा, हाँ ये मैंने पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ठीक है, इस तरह से आपको वो याद होता जाएगा। तो आप करंट अफेयर के मैटर में आप नई चीजें प्राप्त कर सकते हो, करंट अफेयर के मैटर में नई चीजें आप परचेज भी कर सकते हो और अच्छी तरीके से अपने मैटर को कवर भी कर सकते हो। ये बात हुई किसकी, हमारी बुक्स की। दूसरी बात क्या है, कौन सा पार्ट हमारे लिए वर्तमान में इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में इंग्लिश के जो है, इंग्लिश विषय में आप पेपर देने जा रहे हो, तो आपको एक बात ख्याल रखनी है, कुछ एक चीजें, अब से हर रोज, अगर आपका सिलेबस पूरा है तो हर रोज 20 क्वेश्चन जो है एक इंग्लिश के टॉपिक की, यानी मान लीजिए आपने टेंस पढ़ा, ठीक है, तो इसमें टेंस के रूल्स आपने रिवाइज कर लिए, ठीक है, बस साधारण जनरली देखने इसमें ये आता है। अगर आपको याद है तो सिर्फ 20 क्वेश्चन करके आप आगे बढ़ सकते हो, आप ये सोच सकते हो कि हमारा टॉपिक कंप्लीट है। करने कौन से हैं, एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है, एमसीक्यूज करने हैं। फिर 20 क्वेश्चन आपने किसके हटाए, पैसिव वॉइस के, फिर 20 क्वेश्चन किसने, नरेशन के, ठीक है। इस तरह से आप एक एक टॉपिक को कवर करना आपको चाहिए, सिलेबस को अच्छी तरीके से, सारी चीजें रिमाइंड यहाँ पर होती है, सिलेबस को अच्छी तरीके से इंग्लिश के कवर करना एक अच्छी जो है वो प्लानिंग हो सकती है। लेकिन हम डिटेल में पढ़ने लगे, नई किताब से ऐसे पढ़ने लगे तो गड़बड़ है।
आपने जो भी नोट्स तैयार करे हैं उनको पढ़े एक बार अच्छे से, और उसके बाद 20 क्वेश्चन आप किसी भी ऑनलाइन जो है साइट से, या फिर किसी भी टेस्ट से, या फिर किसी टेस्ट के जो पीडीएफ आपके पास है उनके माध्यम से निकालिए, आप अपने नॉलेज को स्थायी करिए। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप क्या करोगे, इसको अच्छी तरीके से संभल के अच्छी तरीके से अपने सिलेबस को बिल्कुल मैनेज कर सकते हो। सिर्फ पढ़ोगे, आप ये कह रहे हो टेंस मैंने रजिस्टर ओपन किया पढ़ लिया और पढ़ के मैं करूं, ये कोई तैयारी नहीं है, ये आप तैयारी को बस क्या स्थाई कर रखा है आपने, उतने ही करते हो, यहाँ नॉलेज इंप्रूव कर रहे हो। पहला पॉइंट करंट अफेयर का, सिर्फ 20-30 पेज में आपने नोट्स ले लेने हैं, उनको रिवाइज करना है, क्रोनो 7 में रिवाइज करनी है, नई किताब नहीं खरीदनी, कोई भी बुक नहीं खरीदनी आपने, इसके अलावा ग्रामर के टॉपिक को ऐसे तैयार करना है। 20 क्वेश्चन करो सिलेबस पूरा, रजिस्टर पढ़ के जल्दी जल्दी रजिस्टर पढ़ा, 20 क्वेश्चन किया, सिलेबस कंप्लीट है अपना। किताब लेके नहीं बैठेंगे आप, ऐसे किताब ऐसे ऐसे नहीं कि किताब का एक एक वर्ड पढ़ेंगे, अब वो टाइम नहीं रहा, ओनली अ मंथ, सिर्फ एक मंथ, और आगे आने वाला टाइम जो भागता हुआ चला जाएगा। ठीक है, बात करते हैं जीके के अदर पार्ट्स की। तो अब समय ये है कि जितना हो सके उतना आप अपने मैटर को रिवाइज करें, अपने अंडरलाइन पढ़ें, और सिलेबस को जितनी बार रिवाइज करोगे, जितनी बार निकालोगे, उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। याद रखें, रीट के अंदर हमारे स्टूडेंट्स ने एक अच्छी प्लानिंग करके लगभग ये मान के चले कि 3 से 4 बार, और बहुत से मैं नाम बता सकता हूँ, ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 बार भी 1 मंथ में सिलेबस कंप्लीट किया था। फर्स्ट ग्रेड का जीके थोड़ा सा वाइड है, ये आप जो है कह रहे हो तो भी गलत कह रहे हो, सब्जेक्ट में वैरायटीज है, न कि मैटर में। ठीक है, न कि मैटर में, आप देख नहीं रीट में कितने टॉपिक है, गिनिए जरा। तो इसको भी क्या है, एक प्रॉपर वे में, एक दिन में, 2-1.5 दिन में हिस्ट्री, एक दिन में पॉलिटी, एक दिन में मैनेजमेंट, ऐसे करके लगभग आप कर सकते हो कि 10 दिन में एक बार जीके को कंप्लीट कर सकते हो, इनके अलावा करना है ये। तो कोशिश ये रखें कि वर्ड टू वर्ड न पढ़ के अगले महीने फुल फ्लैश अंडरलाइन पढ़े, बिल्कुल ईजी वे में पढ़े। ठीक है, अच्छी तरीके से देखें। उसके बाद की अगर बात करें तो हम कुछ एक पार्ट ऐसे हैं जैसे मैथ एंड रीजनिंग है। ठीक है, मैथ एंड रीजनिंग है, तो मैथ के 10-15 क्वेश्चन निकालो और आगे वाली प्रश्नावली पर चले, इसी तरह से रीजनिंग है। ठीक है, अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए जितनी बार सिलेबस निकलेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। हमारा बेस क्या रहेगा, हिस्ट्री, मैनेजमेंट एंड करंट अफेयर्स, और आपका अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो 4-5 क्वेश्चन इंग्लिश वाले, ये हमारा बेस रहेगा, बाकी नॉर्मल चलता रहेगा। पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं, पिछले कुछ एग्जामिनेशन के दौरान हमने देखे हैं, तो उसको आप मौर्य द्विवेदी से अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है तो रिवाइज करें अच्छी तरीके से। एक बात और, कुछ लोग मार्केट से जाते हैं और मॉडल पेपर्स परचेज कर लेते हैं और कहते हैं कि इंग्लिश के मॉडल पेपर्स देखने हैं या फिर जीके के मॉडल पेपर्स देखने हैं, क्या होता है। ठीक है, आप सोचिए, मॉडल पेपर्स करने का सीधा सीधा मतलब है कि आपने क्या करा है, जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, इसके ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन को पढ़ा और इन 4 ऑप्शन में हमने ये देखा है कि ये उत्तर कैसे नहीं हुआ, ये उत्तर, आप क्या करते हो, आप ऐसे देखते हो, मान लो इसका सी है तो ये निशान, क्वेश्चन पढ़ा और ये पढ़ा, चल दिए आगे। ये कोई वो बात नहीं है कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, ये प्रैक्टिस नहीं, ये पढ़ाई है, ये पढ़ना, ये रीडिंग ही है। अगर इस क्वेश्चन को पढ़ के आप अपना टाइम प्रयोग करके इन 4 क्वेश्चन में ढूंढ रहे हो, अच्छी तरीके से क्वेश्चन ढूंढ रहे हो, 1-2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लगा रहे हो, तो माने कि ये क्या है, एक प्रैक्टिस है। अगर आप प्रश्न पढ़ के उत्तर पढ़ रहे हो, ये प्रैक्टिस किसी हाल में नहीं है, वह में मत रहना। ठीक है, अब हमारा टाइम जो निकल चुका है किसका, MCQs करने का। सीधी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट वे में बता रहा हूँ कि अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि मेरे को ये MCQs का ये मॉडल पेपर करना है, तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, गलती कर रहे हो, क्योंकि MCQs को कंसल्ट करने का मतलब है एक क्वेश्चन को 5-7 मिनट देना, 4 मिनट देना, 2 मिनट देना, जो कि हम नहीं दे रहे, क्वेश्चन वो टाइम नहीं है। अब हमारा टाइम सिर्फ रिवीजन का है, बार बार रिवाइज करें, जितनी बार पढ़ा जा सके उतना रिवाइज करें, इस चीज को रिवीजन करना हमारा ध्येय होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, और ये कह सको कल को कि 5 बार हमने रिवाइज कर लिया है। ठीक है,
तो ये हमारा जीके का मैटर है। इंग्लिश के अंदर लिटरेचर की जो कुछ बातें हैं उनमें भी बहुत सारी बातें हैं, पोएट्री के क्वेश्चन, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आपने टेस्ट दिए हैं, ठीक है, जो टेस्ट दिए हैं उनके अंदर सीधा आप उनको एक बार में रिवाइज कर सकते हो। प्रैक्टिस नहीं कहेंगे इसको, पढ़ना ही कहेंगे, ठीक है। तो जितना हो सके उतनी बार सिलेबस को रिवाइज करने पर फोकस करें, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर रिवीजन दो से तीन बार भी हो गया तो भी फर्क पड़ेगा आपको, मैंने कहा था पांच बार करो, दो से तीन बार में भी बहुत अच्छा कर जाओगे, लेकिन रिवीजन जो है वो करना जरूरी हो जाएगा। आप ये नहीं कहें कि मेरे तो वो टॉपिक रह गए थे, मैं तो उनको पूरा करना, अब जो रह गया वो रह गया। स्लाइड्स बिल्कुल नॉर्मल सी रीडिंग, मान लीजिए आपके तीन टॉपिक रह गए जीके में, तो इनको क्या करो आप किसी तरह से एक हफ्ते में जो रिवीजन करते समय आप क्या करोगे, अच्छी तरीके से इन तीन टॉपिक, मान लीजिए अंदाजा है मेरा कि किसी टॉपिक में 400 क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक है जिसमें 400 क्वेश्चन है, तो उसके सरफेस लेवल के आप साधारण साधारण मान लीजिए 100 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, समझ जो साइड में रख दीजिए, कहना इस टॉपिक मेरे समझ में नहीं, आप 100 क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्रैम कर लीजिए, रट लीजिए उसको। अब मतलब ये हुआ कि आसान पेपर हो गया तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, ये याद रखें। तो आने वाले एक महीने के अंदर आपने, मुद्दा ये है नई किताब नहीं खरीदनी कोई, करंट अफेयर क्रोनो से लिया है तो यहाँ पर नोट्स ले लें कोई, या वन मंथ वाली कोई वन ईयर वाली जो हो एक बुक ले लीजिए। उसके बाद मॉडल पेपर्स का भी आपने साइड में रखना है, कोई फायदा नहीं निकलने वाला, बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा, ठीक है। और जो मॉडल पेपर्स बनते हैं इंग्लिश के बनते हैं, इंग्लिश के तो बिल्कुल नहीं है। आप पुराने टेस्ट, अगर मॉडल पेपर लगाने की इच्छा की आदत होती है तो पुराने टेस्ट दे दीजिए, देख लीजिए, वो टेस्ट आपको अच्छी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं लेके आए, अपने मैटर को करें तो बढ़िया है। उसके बाद हमने देखा कि ग्रामर की कैसे प्रैक्टिस करें, तो 10 20 15 जितनी श्रद्धा अनुसार आपके क्वेश्चन हैं उतने रोजाना एक टॉपिक के निकालिए, आप एक दिन में 7-8 टॉपिक को करके आगे बढ़िए। जीत है, ये जीत है, प्लानिंग है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि जो पहले बहुत बड़े लेवल पर पढ़ना था वो हमने आज से पहले तक हो सकता है पढ़ लिया हो, ठीक है, जिस अच्छे विद्यार्थी ने पढ़ लिया है, मान्यता ये कि जिनको सिलेक्शन चाहिए उन्होंने पढ़ लिया है, अब पढ़ने के बाद ये काम रह गया, ये करो और रिवीजन भी हो जाएगा, सब चीजें व्यवस्थित है, रूल भी याद हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन करने का तरीका भी सही रहेगा। ये थी हमारी कुछ एक प्लानिंग ग्रेड फर्स्ट के बारे में, और भी जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आपको जो है वो हमारे साथ जुड़े रहना है, और एग्जामिनेशन के दौरान मैं आपको थोड़े दिनों में प्लानिंग और बताऊंगा किस तरह से शेड्यूल को डिवाइड करें, किस तरह से क्या पढ़ें, ये भी आप ख्याल रखें। पहला हमारा काम है उस दिए हुए सिलेबस को व्यवस्थित तरीके से माइंड में सेट करना, इस तरह से होगा, नई चीजें लेके आने से परेशानियां ही बनी रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।